इंडिया में लॉन्च हुई 125 सीसी के सेगमेंट में अब तक की सबसे बेस्ट बाइक कह सकते हैं अपन टीवीएस राइडर 125 को, क्योंकि इसमें सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है। 77,500 रुपये एक शोरूम प्राइस इसकी स्टार्ट होती है इसके ड्रम वाले वेरियंट की। तो काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के साथ इसको टीवीएस ने लॉन्च किया है भारतीय मार्केट में। इस बाइक में आपको टोटल 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू। इसमें आपको जो येलो और रेड कलर है वो काफ़ी शानदार दिखाई देता है, रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतर है इसकी और ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है जो देखने में काफ़ी मस्कुलर दिखाई देती है। जब आप इस बाइक को 125 सीसी किसी भी बाइक के साथ खड़ा करते हो या 150 सीसी की बाइक के साथ भी इसको खड़ा करते हो तो ये आपको कहीं से भी फील नहीं कराएगी कि ये 125 सीसी की बाइक है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी लुक्स देखने को मिल जाती है और इसका टैंक का डिज़ाइन और इसका पूरा डिज़ाइन आपको काफ़ी अग्रेसिव देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है जो कि इस बाइक को और भी स्पोर्टी बना देता है। इस बाइक के टायर साइज़ में आपको फ्रंट में 80x100 के टायर और रियर में 100x80 के टायर देखने को मिल जाते हैं, तो टायर कॉन्फ़िगरेशन भी इसका काफ़ी बेहतर है। इसमें आपको ठीक ठाक टायर देखने को मिल जाते हैं, माइलेज के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी अच्छे वाले टायर देखने को मिल जाते हैं और भी इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा TFT में देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है उसमें और भी काफ़ी अच्छे इसमें कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बनाने वाले हैं। तो ये कुछ डिटेल थी इसके बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये बाइक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।